कितनी मरतबा देखिए मैंने ये कहा कि पॉवर्टी एलिमिनेशन कैसे होगी। पॉवर्टी एलिमिनेशन में सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को रोजगार दें, जॉब प्रोवाइड करें, जॉबलेस लोगों जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब दें। उसके लिए मैंने जो कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में हर एक के लिए जॉब है, और उसमें जो स्मार्ट लोग होंगे, जो कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी बाय बर्थ है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब जैसे आपने कहा कि उसके लिए गुड इंटरनेट और एक डिवाइस होना जरूरी है, तो ये चीज अफोर्ड ना कर सकेंगे वो कैसे करें सर? कोई 1000 पे भी अफोर्ड नहीं कर सकता? नो, ये ना कहें आप, बिल्कुल भी मैं ये मानने को तैयार ही नहीं। देखिए, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, हमारे बुजुर्गों ने जो स्ट्रीट लैंप होता था उसके नीचे किताबें पढ़ पढ़ के CSS का एग्जाम दिया, और वो फिर बाद में फेडरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बने। बहुत सी एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम बट आई नो देम पर्सनली। मेरे मामू एक थे, वो कहा करते थे कि मैं उनकी वालदा जब पाकिस्तान बना इधर आए उसके बाद, उनकी वालदा घरों में बैठकर, वो उस वक्त में कागज के लिफाफे होते थे, चाहे वो अखबार के हों या किसी के भी, वो अखबार के लिफाफे बनाया करते थे और लिफाफे बेच के अपना घर चलाते थे। और हमारे वो मामू जो थे वो बाहर, क्योंकि उनके घर में अगर वो रात को एक आधा बल्ब होता था वो जलाते थे तो सब लोगों को उठकर बैठना पड़ता था, तो वो बाहर स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते थे। साथ ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा डेडिकेशन की बात है, जिनके अंदर डेडिकेशन होगी वो अगले दौर में कामयाब होंगे। और आज का दौर इतना आसान है उन लोगों के लिए कि जो ठीक है जो बगैर खाली हाथ से चलते हैं, एक रुपया आप पास से मत लगाएं, आप आए तो सही, आप चले तो सही, आपके पास किसी तरह से आप अगर ये भी कर लेंगे यार किसी के साथ शेयरिंग के अंदर बैठ जाएं उसके डेस्कटॉप पर, बहुत से दोस्त आपको मिल जाएंगे। हर एक के सर्कल में बड़े लोग भी दोस्त होते हैं, चाहे गांव का ही क्यों ना हो, और निकलें अपने घरों से निकलकर, आप आओ, आकर किसी जगह पर बैठो। हमने देखा, आप क्या समझते हैं जो बच्चे यहां से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए वो शाम को मैकडोनल्ड में काम नहीं करते, KFC पर काम नहीं करते, सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको या वो घर से पैसे मंगाएं या वो करें, तो जब वहां कर सकते हैं तो अगर आप गांव से उठकर इस्लामाबाद में आकर किसी रेस्टोरेंट पर 4-6 घंटे काम कर लेंगे तो कौन सी बुरी बात है? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक योर फ्यूचर स्ट्रांग, आपकी एम्बिशन ये है, आपके गांव में भी, आपके छोटे शहर में भी, कस्बे में भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ी भी होगी, जिनके पास स्मार्टफोन भी होगा, जिनको शायद उतनी पैसों की जरूरत ना हो, आप उनसे प्यार मोहब्बत से रिलेशनशिप बनाएं, उनका लैपटॉप इस्तेमाल करें, उनका डेस्कटॉप इस्तेमाल करें, उनका इंटरनेट इस्तेमाल करें, लेकिन कोई रास्ता तो निकालें। जो लोग ये कहते हैं कि जी मेरी नज़र में वो कभी कामयाब नहीं हो सकते कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है जी, मेरे वालदैन तो मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, नो, आपको अगर कुछ बनना है तो अपना ट्रैक खुद ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, अपना फ्यूचर जो है वो बनाने के लिए खुद प्लानिंग करनी पड़ेगी। व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव, अपने रिसोर्सेज में रहकर आपने आगे बढ़ना है, और तरक्की जिसका नाम है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। जो लोग ओवरनाइट बिलियनर बनना चाहते हैं उसके लिए फिर गलत काम करने, और सारे गलत काम करने वाले कामयाब नहीं। दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, अमेजिंग, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जो मेरे क्वेश्चन को, तो इसके साथ हम इसको समराइज करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज, या जो हमारे देखने वाले उनके लिए छोटा सा मैसेज। बेटा मैंने तो सारी बात ही यूथ पर की है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे मैसेज दिए, मैं वही कहूंगा कि सारी रात वो जुलेखा की कहानी सुनाते रहे और सुबह उठकर वो किसने जुलेखा लड़की थी या लड़का, ऐसी बात तो मेरे साथ तुम ना करो ना यार भाई। मेरे तो वो मतलब के मतलब ने वैसे सारी बात में की है, डेवलपमेंट के लिए की है, यूथ को समझाने के लिए की है। मैं फिर एक बार ये कहूंगा
कि प्लीज माँ बाप को ब्लेम मत करें, खुद आगे बढ़ें। खास तौर पर आई एम वेरी सॉरी टू से, ये जो मतवस्त घराने के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं जो कतई मुनासिब नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारी, आपको पाला बड़ा किया, खुदारा कभी भी उनको किसी चीज पर ब्लेम ना, बिकॉज उनको अगर आप तकलीफ देते हैं, अगर आप डिसहार्ट करते हैं अपने माँ बाप को, तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। उनकी सिर्फ दुआएं लें, खुश रहें, उनको भी खुश रखें, आगे बढ़ें, अल्लाह मदद करे। आई होप माय मैसेज इज सर। एक और मैसेज आ गया ना सर, देखिए मैंने पूछा तो मैसेज आ गया, तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना टाइम दिया और इतनी सारी बातें शेयर की और हमें सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया। विवेश के हमारी ऑडियो को, लोगों को समझ आए और वो डिजिटल पाकिस्तान का हिस्सा बने, इंशाल्लाह ये बहुत तरक्की करेगा। वी विश यू अ वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। और मेरे जो लोग, एक मिनट आखिर में, मेरे जो लोग मेरे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, आपके फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, उनको भी मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक बार फिर मैं कहूँगा कि हम कल से, कल इतवार है, कल इतवार के 9 बजे इंशाल्लाह फेसबुक पेज पर भी मेरा वो लाइव चलेगा, हम एक डिजिटल सेनेटर्स खुली कचहरी शुरू करने जा रहे हैं। जो जो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं जरूर हिस्सा लें, आए आकर मुझसे ज्वाइन करें, मैं आप लोगों के लिए जो कर सकता हूँ इंशाल्लाह 10 बजे हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।